महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सूक्ष्म विभाग में फर्मेंटेशन की कौशल कार्यशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फास्ट फूड संस्कृति के समय में फर्मेंटेड आहार पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की धरा पर कठिन समय में आहार को लंबे समय तक प्रयोग कर सकने के लिए तरह तरह के फर्मेंटेड आहार बनाए जाते रहे हैं। इन्हें पुनर्जीवित करने के अलावा विश्व के अन्य ऐसे आहारों की दुनिया में प्रवेश कर हमारे छात्र और उद्यमी स्वस्थ भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कार्यशाला की संयोजिका प्रोफेसर मोनिका भटनागर ने जानकारी दी कि विभाग के छात्रों के साथ साथ अन्य छात्र भी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। कुछ प्रतिभागियों ने ऑनलाइन व्याख्यान हेतु पंजीकरण किया। इस कार्यशाला में सॉरक्रॉट, किमची, जिंजर एल, फ्रूट वाइन, एप्पल साइडर, कांजी केफिर, चावल के फर्मेंटेड उत्पाद और ब्रेड बनाना सिखाया जाएगा। कार्यशाला में प्रोफेसर आशीष भटनागर ने स्वागत भाषण दिया। डॉक्टर राजबाला जूनिया ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री खुशबू भावड़ा ने किया। मैडम भटनागर, प्रोफेसर एंड डियर स्टूडेंट्स, भटनागर साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने पहला एक वर्ड यूज किया था कि स्किल डेवलपमेंट का एक ये प्रोग्राम है, और स्किल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उसमें तीन चीजें होती है। वी हैव टू रेज द कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो हमें जो स्किल डेवलपमेंट जिसकी होनी है उसका हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि रेज द कॉन्फिडेंस, गिव डायरेक्शंस, और काहे के लिए डायरेक्शन देनी है तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तीन चीज़ें करनी है अगर स्किल डेवलपमेंट करना है, कि पहले तो हमें इस काबिल आपको बनाना है, कुछ एड ऑन करके, कुछ फर्मेंट करके और उस फूड को लंबे समय तक यूज करते रहे। छाछ प्रिय भोजन है यहाँ का, छाछ भी शायद फर्मेंटेशन का ही एग्जाम्पल होगा, और जब आप छाछ पी करके और गर्मियों में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हमारे मुल्कों ने कुछ ऐसी विधा डेवलप जरूर की होगी जो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत यूजफुल है। तो हम जितना खोजेंगे, ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये एक कहाँ तक कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं, करते करते आप रुक जाते हो, लेकिन कहाँ तक आप एकाउंट कर सकते हो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप इसमें कुछ और एक नहीं किया जा सकता। वैसे ही हमें लगता है ज्यादा और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से नए नए पदार्थ तैयार होंगे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे, समाज के लिए अच्छे होंगे, जो खाद्य की समस्या को हल कर सकेंगे, जो चीज़ें जहाँ पर नहीं उपलब्ध है वहाँ तक आसानी से पहुँच सकेंगे। और अन्य सभी यहाँ पर इस वर्कशॉप में छात्र की हैसियत से या बिना छात्र भी अगर सीखने के लिए है तो उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये वर्कशॉप रखने में एक बेसिक दही वॉज यू नो स्टार्टेड एज अ प्रिजर्वेशन मेथड फॉर मिल्क। आज भी दूध वालों का जो दिन भर के बाद दूध बच जाता है, दे फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू यूटिलाइज, कुछ की दही जमाते हैं, कुछ का छाछ बनाते हैं, कुछ का मावा निकालते हैं, कुछ घी। सो दिस आर, दिस इज अ प्रोसेसिंग दैट इज हैपनिंग टू द फूड दैट वी आर